अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एडमिशन का प्रॉब्लम नंबर 14 अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 757 पे है। अब यहाँ पे देखें, वो इन्फॉर्म क्या कर रहा है कि ए और बी, ये दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को 5:3 के रेशो में शेयर कर रहे हैं। ए का रेशो 5 है और बी का रेशो 3 है, तो 5 और 3 मिलके कितना हो गया 8। तो 5/8 ए का रेशो है और 3/8 बी का रेशो है। कह रहा है ये उनकी फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट साइड लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट पेज पे जाएं तो क्या इन्फॉर्म कर रहा है, कह रहा है सी नाउ ज्वाइंस देम ऑन द कंडीशन दैट ही विल शेयर 3/4 ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। कह रहा है इस वक्त उन्होंने ना अपने साथ पार्टनरशिप में सी को एडमिट किया है और उसको प्रॉफिट में 3/4 शेयर दिया है, ठीक है ना। द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट बींग शेयर्ड बाई ए एंड बी इन एज 5:3, और जो बाकी का है वो ए और बी दोनों में 5:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नए पार्टनर सी को जो सा इन्होंने रेशो दिया है 3/4, और पुरानों के साथ क्या किया है, उनका 5:3 रेशो है, ठीक है ना। अभी तक जो हमने सवाल किया उसमें होता ये था कि वो नए पार्टनर का रेशो तो बता देता था लेकिन पुराने पार्टनर का रेशो मेंशन नहीं करता था, तो हम ये कहते थे जी कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोस चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर चेंज हो तो वो मेंशन करता है। तो अब भी वो बता रहा है कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोस जो हैं वो 5:3 हो गए हैं। तो आप देखें ऊपर कितने थे पहले, वो भी 5:3 था। इट मीन्स अगेन हमारे नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोस चेंज नहीं हुए हैं। बताए ज़रूर उसने लेकिन वही पुराने वाले। इसका मतलब है नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोस चेंज नहीं हुए हैं, तो गुडविल को हम लोग ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इस रेशो का सारे का सारा लिंक किसके साथ है, गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। तो चूंकि गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन के दो रेशो होते हैं, या गुडविल को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सेक्रीफाइस में। तो अगर नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोस चेंज ना हो तो गुडविल ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और अगर चेंज हो जाए तो सेक्रीफाइस में, ठीक है। तो इस वक्त चेंज नहीं हुए इसलिए ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को, राइट। अब ओवरऑल बाकी सारा क्वेश्चन आगे उसने मेंशन कर दिया, अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट में वो फिर यही कह रहा है कि एंट्रीज करें और बैलेंस शीट बनाएं। तो अब जब हम अपने एडमिशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमने ये कहा कि हम इसके हमेशा मेन तीन पोर्शन करेंगे, ठीक है, थ्री पोर्शंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पहला पोर्शन जर्नल एंट्रीज, राइट। अब इन जर्नल एंट्रीज को हमने चार स्टेप्स में रिकॉर्ड करना है। पहला स्टेप, हम लोगों ने नए पार्टनर के कैपिटल की ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, अब हमने देखना यह है कि एंट्रीज करते वक्त हमने कैश को लेके चलना है या बैंक को लेके चलना है। तो उसके लिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आप देखें एसेट साइड पे उसने कैश इन हैंड यूज किया है या कैश एट बैंक। तो देखें 14th क्वेश्चन में एसेट साइड पे आखिरी पॉइंट पड़ा हुआ है कैश एट बैंक 7500, तो वो बैंक को लेके चल रहा है। तो एंट्रीज करते वक्त हम बैंक को इन्वॉल्व करेंगे, राइट। तो इसलिए पहली एंट्री नए पार्टनर के कैपिटल की क्या हो जाएगी, हम कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो आप क्योंकि बैंक यूज हुआ है इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे और सी के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री करनी थी हमने। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो कह रहा है, देखें बैंक या कैश टू कैपिटल, ये वाली एंट्री उस वक्त होगी जब नया पार्टनर आते वक्त बिजनेस को सिर्फ पैसे देगा, राइट। लेकिन अगर इसके अलावा भी वो कोई काम करता है तो साथ में फिर उस चीज़ को भी हमने डेबिट कर लेना है। तो अब नए पार्टनर ने कैपिटल के तौर पे क्या किया, देखिएगा सुनिएगा स्टेटमेंट को। पेज नंबर 758 की सेकंड लाइन में उसने लिखा है ही इंट्रोड्यूसेस ₹40,000 बाई वे ऑफ कैपिटल इन कैश एंड पेस ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। कि नया पार्टनर जो आया ना उसने आते वक्त बिजनेस को जो पेमेंट किया वो कितनी किया, 40,000 पे कैश की फॉर्म में दिया कैपिटल, और बैंक ओवरड्राफ्ट को पे किया है कितना ये उसने मेंशन नहीं किया है। तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अब आप लाइबिलिटी साइड पे देखें बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी है, 42,500 है। तो इट मीन्स इनकमिंग पार्टनर ने बिजनेस में एडमिट होते वक्त बिजनेस को जो टोटल पेमेंट की है वो 82,500 की है, जिसको उसने पे कैसे किया है, जिसमें से 40,000 उसने कैश की फॉर्म में पे किया है और 42,500 का इस ऑर्गेनाइजेशन का लोन पे किया है। तो टोटल 82,500 की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, जितने पैसे आए हैं उसके लिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 40,000 से, जितना उसने ओवरड्राफ्ट पे किया उसके लिए हम बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट कर देंगे 42,500 से, और सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 82,500 दोनों का सम।
तो ये हमारा पहला स्टेप नए पार्टनर के कैपिटल की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई जी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, राइट, कि नए पार्टनर ने आते वक्त सिर्फ पैसे नहीं दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे किया है, तो इसलिए बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों डेबिट होंगे। अब सेकेंड स्टेप गुडविल को ट्रीट करेंगे, तो गुडविल की कितनी एंट्रीज होंगी बेटे, दो। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी बेटे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट, ये दो एंट्रीज हो गई। अब वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं, तो देखें उसने क्वेश्चन में बताया है कि जो नया पार्टनर है ना उसने 4000 की गुडविल पे की है, तो इसका मतलब है हमने ये दो एंट्रीज 4000 की करनी है। तो पहली बैंक अकाउंट टू गुडविल अकाउंट 4000 से एंट्री हो जाएगी, दूसरी एंट्री में हम गुडविल को 4000 से डेबिट करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस 4000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन के कितने रेशोज हैं बेटे, दो रेशोज हैं, या हमने गुडविल को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है या सैक्रीफाइस में। तो चूंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज नहीं हुए हैं, इसलिए गुडविल को ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, विच इज 5:3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 4000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8, तो 2500 ये चला जाएगा ए को, फिर 4000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, तो 1500 ये चला जाएगा बी को। तो 4000 में से 2500 ए को ट्रांसफर हो जाएगा और 1500 रुपए बी को ट्रांसफर हो जाएगा गुडविल के हवाले से। तो ये गुडविल की दो एंट्रीज हो गई कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप हम लोगों ने जनरल रिजर्व को ट्रीट करना है, तो जनरल रिजर्व के हवाले से वो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि आपने इसको ट्रीट करना है या नहीं करना है। तो आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे देखें, क्या जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड पड़ा है, अगर मौजूद है तो एंट्री होनी है। तो अब आप देखें लाइबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोगों को थर्ड स्टेप को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देंगे, राइट। अब फोर्थ स्टेप हम लोगों ने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करनी है। तो अब यहाँ देखें वो कह रहा है द पार्टनर एग्रीज टू डेप्रिसिएट प्लांट बाय 10% एंड रेज रिजर्व अगेंस्ट डेटर 5%। तो प्लांट को 10% डेप्रिसिएट करना है और डेटर पे 5% रिजर्व लेना है आपने, ठीक है। तो प्लांट हमारा एसेट है, जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो कम हो जाएगा, और डेटर भी हमारा एसेट है, जब हम उस पर रिजर्व क्रिएट करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। तो दो एसेट हैं, दोनों ही कम हो रहे हैं। अब आप चाहें तो दो अलहदा अलहदा एंट्रीज पास कर लें, चाहें तो एक ही एंट्री में रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि उसने नंबरिंग तो की नहीं है, तो अब हम कंबाइन एंट्री कर रहे हैं। तो प्लांट भी एसेट है, डेटर भी एसेट है, दोनों कम हो रहे हैं, तो जब एसेट कम होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो अब आप प्लांट को भी क्रेडिट करें और रिजर्व फॉर बैड डेट को भी क्रेडिट करें और रीवैल्यूएशन को डेबिट कर लें। या अगर आप अलहदा एंट्रीज करना चाहें तो क्या होंगी, पहले हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू प्लांट और फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू रिजर्व ऑफ बैड डेट, दो अलहदा एंट्रीज करनी पड़ेंगी, या एक ही एंट्री में कर लें, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वैल्यूज कैसे आएंगी, देखिए प्लांट को 10% डेप्रिसिएट करना है, तो बैलेंस शीट में देखिए प्लांट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40,000 है, इसका 10% लें तो ये 4000 आ गया, तो प्लांट 4000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब डेटर देखें बैलेंस शीट में कितने हैं, वो 20,000 है, इसका 5% रिजर्व लेना है, तो 20,000 का 5% लें तो ये 1000 आ गया, ठीक है। तो टोटल रीवैल्यूएशन कितने की होगी, 5000 की, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट 5000 से डेबिट हो जाएगा, प्लांट 4000 से क्रेडिट हो जाएगा, रिजर्व ऑफ बैड डेट 1000 से क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप दो अलहदा एंट्रीज करना चाहें तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन टू प्लांट 4000 से एंट्री होगी और फिर रीवैल्यूएशन टू रिजर्व ऑफ बैड डेट 1000 से एंट्री होगी, ठीक है। तो दो अलहदा कर लें या कंबाइन एक एंट्री कर लें, आपकी मर्जी है, कोई हर्ज नहीं है, राइट। ये हमारी रीवैल्यूएशन हो गई कंप्लीट। अब हमने देखना यह है कि इस रीवैल्यूएशन की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उस प्रॉफिट को या लॉस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटे, अपना रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो ये आपके सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट पे क्रेडिट, दरमियान में लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। अब देखें रीवैल्यूएशन अकाउंट फोर्थ स्टेप से स्टार्ट होता है, ये रहा यहाँ पे है, ये रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया बेटे प्लांट की वजह से और रिजर्व ऑफ बैड डेट की वजह से। प्लांट की वजह से 4000 डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड पे 4000 प्लांट लिख दिया, 1000 रिजर्व ऑफ बैड डेट की वजह से डेबिट हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे रिजर्व ऑफ बैड डेट 1000, बस जी, ठीक है। अब हम अपने इस रीवैल्यूएशन के अकाउंट को करेंगे क्लोज, तो डेबिट साइड पे 5000 है और क्रेडिट साइड पे है ही कुछ नहीं है, तो डिफरेंस 5000 ही आ गया, ठीक है। तो अब चूंकि डेबिट साइड ज्यादा है, ये हमारा लॉस है, तो अब ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारे पुराने वाले पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में,
ठीक है ना। तो अब ओल्ड रेशो क्या था, 5:3, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, तो ये आ जाएगा 3125, ये हो जाएगा ए कैपिटल। फिर 5000 मल्टीप्लाइड बाई 3/8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1875, तो यहाँ लिखेंगे आप बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मिलके टोटल 5000 पूरा हो गया। अब ये जो हमारा लॉस हुआ है, इसको हमने अपनी एंट्रीज, इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे। तो अब एंट्री आ जाएगी यहाँ पे बेटे, लॉस की सिचुएशन में कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगे, तो आप एंट्री करेंगे बेटे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो अब ए का कैपिटल डेबिट होगा 3125 से, बी का कैपिटल डेबिट होगा 1875 से, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। राइट, तो ले बेटे ये हमारे क्वेश्चन का पहला पोर्शन जर्नल एंट्रीज जो है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो कितने स्टेप में रिकॉर्ड किया, चार। पहला स्टेप नए पार्टनर के कैपिटल की ट्रीटमेंट, दूसरे स्टेप में हमने गुडविल को रिकॉर्ड किया, तीसरे स्टेप में जर्नल रिजर्व, और स्टेप फोर्थ स्टेप में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। राइट, अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपने क्वेश्चन के सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप क्या है, हमने अपने तमाम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। तो लेफ्ट कॉर्नर पे आप यहाँ लिखेंगे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, आप चाहें तो तीन अकाउंट अलहदा बना सकते हैं। राइट, अब जब हम अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पहला आइटम जो इसमें इनपुट के तौर पे आना है वो क्वेश्चन की बैलेंस शीट से पुराने वाले ए और बी पार्टनर जो हैं, पुराने पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेज आ जाएंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, ए का कैपिटल उसने बताया 30,000, बी का बताया 20,000, सी का पहले से मौजूद नहीं है, वो निल हो गया। राइट, ये इनपुट आ गया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अब बाकी चेंजेस आप अपनी एंट्रीज में से लेंगे। तो अब आप देखें बेटे, वेरी फर्स्ट एंट्री में जो हमारा पार्टनर सी है उसका कैपिटल क्रेडिट हो गया है। क्यों क्रेडिट हुआ है, अपने डेबिट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से। तो अब आप यहां लिखेंगे बेटे बैंक 40,000, ये कैश मैंने गलत लिख दिया, यहां बैंक आएगा। ठीक है, बैंक 40,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 42,500। राइट, तो टोटल 82,500 क्रेडिट हो गया। अब ए और बी के दोनों के कॉलम में निल निल आ जाएगा। राइट, अब सेकंड एंट्री में देखें कैपिटल है ही नहीं है। थर्ड एंट्री में देखें कैपिटल्स ए और बी दोनों के कैपिटल क्रेडिट हो गए हैं गुडविल की वजह से। तो अब आप यहां लिखेंगे गुडविल अकाउंट, ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 2,500 और बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 1,500, सी का कैपिटल निल। फिर उसके बाद वेरी लास्ट एंट्री में जाएं तो देखें ए और बी दोनों के कैपिटल्स डेबिट हो गए हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से। ए का कैपिटल डेबिट हुआ है 3,125 और बी का कैपिटल डेबिट हुआ है 1,875, सी का निल। लें बेटे हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम अपने कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्लोज। तो अब आप देखें कैपिटल पहले ए को क्लोज करें, तो क्रेडिट साइड पे इसका 32,500 है, डेबिट साइड पे 3,125 है, तो डिफरेंस आ रहा है 29,375। ये क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी। अब इसी तरह बी को क्लोज करें, क्रेडिट साइड पे आ रहा है इसका हमारे पास 21,500 और डेबिट साइड पे है 1,875, तो डिफरेंस आ रहा है बेटे 19,625, बैलेंस सीडी। फिर इसी तरह सी को क्लोज करें, तो क्रेडिट साइड पे 82,500, डेबिट साइड पे है ही कुछ नहीं है, निल, तो डिफरेंस आ जाएगा 82,500, ये इसका क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी। तो अब ये ए बी और सी के कैपिटल्स हैं जो नई बैलेंस शीट बनाते वक्त आप लोगों ने बैलेंस शीट में लेने हैं, पुराने वाले कैपिटल्स अब नहीं आने हैं। राइट, नहीं जी, तो ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट्स। अब थर्ड पोर्शन हम लोगों ने क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट जो सी है वो प्रिपेयर करनी है। तो थ्री लाइंस यूज करेंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट, और थर्ड लाइन में एज ऑन जो भी डेट है, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीज। तो पहले एसेट साइड को फिलअप करते हैं। तो आप देखें बेटे एसेट साइड पे पहला पॉइंट उसने बताया हमें प्लांट एंड मशीनरी, इसकी वैल्यू कितनी है 40,000, लेकिन अब इसकी वैल्यू 40,000 नहीं रही क्योंकि रीवैल्यूएशन के वक्त इसकी वैल्यू में 4,000 का डिक्रीज आ गया था, डेप्रिसिएशन हुई थी इसकी, तो वो लेस करके नई वैल्यू आ गई 36,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया स्टॉक 30,000, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया बेटे डेटर्स, हमारा एसेट है 20,000, लेकिन इस पे इफेक्ट पड़ा है 1,000 रिजर्व क्रिएट किया था आपने 5%, तो वो माइनस करें तो बाकी 19,000 अब डेटर की नेट वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया बेटे बिल रिसीवेबल 10,000 एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आया इसमें। फिर आखिरी पॉइंट उसने बताया बेटे कैश एट बैंक,
ठीक है, तो आप कैश इन हैंड हो चाहे कैश एट बैंक हो, इसको की वैल्यू चेंज होगी। तो आप देखें वो कैसे आएगी, 7500 कैश का बैलेंस उठाएं जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया है। अब इसमें आप एंट्रीज में देखें जहां जहां कैश या बैंक डेबिट हुआ है वो इसमें ऐड कर दें, और जहां जहां कैश या बैंक क्रेडिट हुआ है वो इसमें से माइनस कर दें। तो अब आप देखें वेरी फर्स्ट एंट्री में कैश एट बैंक जो है, बैंक डेबिट हुआ है 40,000, वो बीच में ऐड हो जाएगा। दूसरी एंट्री में देखें बैंक डेबिट हुआ है 4,000, वो भी ऐड हो गया। आगे जितनी भी एंट्रीज हैं वहाँ पे ना बैंक डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो कैश एट बैंक का नया बैलेंस फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 51,500। लेंजी, ये हमारी एसेट साइड हो गई कंप्लीट। अब आते हैं बेटे हम अपनी लाइबिलिटी साइड पे। तो पहला पॉइंट उसने लाइबिलिटी साइड पे बताए हैं कैपिटल। अब कैपिटल उसने सिर्फ ए और बी का बताया, तो हमने कहा कि हम क्वेश्चन की बैलेंस शीट वाले कैपिटल्स नहीं लेंगे, ठीक है, बल्कि क्या करेंगे, अभी जो आपने कैपिटल अकाउंट बना के दूसरे पोर्शन में ये कैपिटल के बैलेंसेस फाइंड किए थे ना, ए के, बी के और सी के, ये अब नई बैलेंस शीट में आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ लिखेंगे ए बी सी। ए का कैपिटल आ जाएगा 29,375, बी का आ जाएगा 19,625 और सी का आ जाएगा 82,500। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ उसने हमें सन्ड्री क्रेडिटर 15,000, ये हमारी लाइबिलिटी है, आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन चूंकि जब नया पार्टनर आया था तो उसने आते वक्त ये वाली लाइबिलिटी पे कर दी थी, तो अब ये हमारी लाइबिलिटी बिजनेस की नहीं रही है, तो इसलिए अब इसको नई बैलेंस शीट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही हमारी बैलेंस शीट जो सी है बेटे वो हो गई कंप्लीट। अब हम बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, तो एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है बेटे 146,500 और लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 146,500, तो दोनों साइड्स खुद ही बराबर हो गई, राइट। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारा क्वेश्चन जो सा है वो हो गया कंप्लीट, प्रॉब्लम नंबर 14, ठीक है। तो तीन पोर्शन में हमने इसको अटैम्प्ट किया, पहला पोर्शन जर्नल एंट्रीज चार स्टेप्स में रिकॉर्ड किया, दूसरा पोर्शन कैपिटल अकाउंट्स और तीसरा पोर्शन नई बैलेंस शीट।